आप सबका डिवाइन डेसी काउंसलर चैनल में। दोस्तों, रेजिस्टेंस एग्जैक्टली क्या है, उसको किस तरह से हम रिमूव कर सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे आज हम। बहुत सारी जगह आप लोगों ने सुना होगा दैट यू नीड टू रिमूव योर रेजिस्टेंस टू मैनिफेस्ट एक्सेट्रा। सो व्हाट इज दिस एग्जैक्टली? आपकी सोच ही आपका रेजिस्टेंस है। आपके जो थॉट्स है कि ये कब होगा, ये कैसे होगा, मुझे नहीं लगता ये हो सकता है, मैं कैसे मान लूँ ये होगा, मेरे साथ आज तक अच्छा नहीं हुआ, अचानक से अच्छा कैसे होगा, हमेशा उनके साथ सही होता है, हमेशा मेरी दोस्त बाजी मार जाती है, मेरे पार्टनर और मेरा रिश्ता कभी अच्छा नहीं हो सकता। ये सारे अलग अलग थॉट के मैंने आपको एग्जांपल दिए, ठीक है। अब इसके पीछे थोड़ा सा बिहाइंड रीज़न ये है कि आपकी बिलीफ है जिसमें से आपके ये थॉट्स जो है वो प्रोजेक्ट हो रहे हैं। बेसिकली आपकी सेल्फ एस्टीम बहुत लो है, मतलब आपको खुद के ऊपर विश्वास ही बहुत कम है। बचपन से आपकी अपब्रिंगिंग में, स्कूल के टाइम पे जब आप बड़े हो रहे थे तो कुछ इंसिडेंट्स हुए और आपने भी अपने आप के ऊपर इतना ज़्यादा काम करने की कोशिश नहीं की, इसीलिए आपको डर लगता है किसी से अच्छी तरह से बात करने में भी, अपने आप को एक्सप्रेस करने में भी, बहुत सारी जगह। तो इशू है सेल्फ एस्टीम का, इशू है सेल्फ वर्थ का, आपका ये समझना कि आप वो चीज़ डिजर्व नहीं करते। प्रॉब्लम ये है जिसमें से ये थॉट्स पैदा होते हैं जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो बेसिकली हमें इन बिलीफ के ऊपर जब हम काम करते हैं कि नहीं मैं डिज़र्व करती हूँ, जिसके लिए मैं खुद को प्यार करती हूँ, अपने आप को रोज़ अफर्मेशंस देती हूँ, पॉजिटिव ग्रैटिट्यूड के साथ अपना दिन बताती हूँ, सुबह उठ के कुछ अच्छा सुनती हूँ, अच्छे सॉन्ग से अपने आप को चार्ज अप रखती हूँ, अच्छे अच्छे स्पीकर्स को सुनती हूँ, तो मेरे अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी आने लगती है और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा रेजिस्टेंस जो है वो रिलीज़ हो रहा है। आपको इसके बीच में एंजल्स नंबर दिखने शुरू हो जाते हैं, आपके साथ अच्छी चीज़ें होनी शुरू हो जाती है। सो आपको धीरे धीरे यकीन आने लगता है, जिसको बोलते हैं कि आपका रेजिस्टेंस जो है वो रिमूव हो रहा है। अब रेजिस्टेंस रिमूवल आपको कहीं और नहीं करना है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में चाहे कार लेनी है, चाहे बिजनेस चलाना है, चाहे बॉडी की हीलिंग करनी है, चाहे रिलेशनशिप की हीलिंग करनी है, चाहे शादी मैनिफेस्ट करनी है, बेबी मैनिफेस्ट करना है, हेल्थ मैनिफेस्ट करनी है, कुछ भी करना है, तो रेजिस्टेंस कहीं और नहीं है। यहाँ पे ये नहीं है कि एक्शन नहीं लेना है, जॉब के लिए अप्लाई करना है, हेल्थ के लिए डॉक्टर को दिखाना है, ठीक है, तो एक्शंस हर इंसान को लेने ही है, लेकिन शादी करनी है तो लड़के देखते रहने हैं, लेकिन इसके साथ खुद के ऊपर भी काम करते रहना है रेजिस्टेंस रिमूव करने के ऊपर। रेजिस्टेंस बाहर से रिमूव नहीं हो सकता, आपको मानसिक तौर पे ही अपने ऊपर काम करना है। आप अपने ऊपर जैसे काम करते जाएंगे, आपका सेल्फ लव बढ़ता जाएगा, तो आपके अंदर सेल्फ वर्थ आएगा, आपको खुद के ऊपर यकीन आता जाएगा कि चाहे कुछ भी हो मैं काबिल हूँ, क्योंकि मुझे परमात्मा ने बनाया है, इस यूनिवर्स ने अगर सही समझा मुझे इस दुनिया में भेजना, इस वक्त मैं ज़िंदा हूँ तो मैं इम्पॉर्टेंट हूँ और मेरी ज़िंदगी का एक मकसद है, चाहे पीछे कुछ भी हुआ मैं उन चीज़ों से वाबस्ता नहीं रखती, मुझे उन चीज़ों से, उन मेमोरीज से जो मुझे डराती रहती है उससे कुछ लेना देना नहीं है, मेरा भविष्य अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, ये मुझे पता है। क्यों? क्योंकि मुझे खुद के ऊपर विश्वास है, मुझे खुद के ऊपर विश्वास है, तो इससे ये होगा कि आपको आपके मैनिफेस्टेशन के ऊपर विश्वास है, आपको यूनिवर्स के ऊपर विश्वास है। ट्रस्ट इश्यूज़ किसको होते हैं दोस्तों? सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसके अंदर होता है? जिसके अंदर कहीं ना कहीं खुद के ऊपर यकीन की कमी होती है, तो आप किसी भी चीज़ के ऊपर ज़िंदगी में बहुत आसानी से भरोसा नहीं कर सकते। अब यहाँ पे मैं ब्लाइंड ट्रस्ट की बात नहीं कर रही, आपको स्मार्ट होना है, ठीक है, हर इंसान के ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर लेना है बिल्कुल भी नहीं। दुनिया बहुत
अच्छी नहीं है, बहुत सारे लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। तो बात यहाँ पे बेवकूफ़ होने की नहीं है, बट यकीन करना मतलब, विश्वास करना मतलब खुद के ऊपर, खुद की काबिलियत के ऊपर, खुद की मैनिफेस्टेशन की एबिलिटी के ऊपर, खुद के एग्जिस्टेंस के ऊपर, खुद की बॉडी के ऊपर, खुद के माइंड के ऊपर, खुद की शक्तियों के ऊपर, खुद के प्यार के ऊपर। आपको जो परमात्मा ने ये जीवन दिया है, इस क्षण आपकी जो सांसें चल रही है, हर सांस लेते वक्त आपको खुद के ऊपर यकीन है कि मैं अपनी रियलिटी का क्रिएटर हूँ और मैं क्रिएट करूँगा। तो जैसे जैसे ये फेथ आने लगता है, रेजिस्टेंस जाने लगता है और चीज़ें बहुत आसानी से मैनिफेस्ट होने लगती है। इस चीज़ के पीछे, इस वीडियो के पीछे मैं एक अपना जो रेजिस्टेंस रिमूवल का एक मैंने मेडिटेशन बनाया है, जिसको मैं बहुत रैंडमली 3-4 महीने में एक बार प्रैक्टिस करती हूँ, जब मुझे लगता है कि मेरी बॉडी के अंदर वो चीज़ें अक्यूमुलेट हो गई है जो मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। क्योंकि क्या है ना, इंसान की ये जो सोच है, जो बिलीफ सिस्टम की मैंने आपको बात की, जो तो वो आपकी बॉडी में भी कहीं ना कहीं स्ट्रक हो जाती है, वो ट्रॉमास, वो मेमोरीज। तो आपको खुद की बॉडी के साथ ये जो हीलिंग है वो करनी है, वो रेजिस्टेंस रिमूवल का प्रोसेस जो है वो करना है। ये करने के बाद आपको इतना मतलब हल्का लगेगा, इतना इजी लगेगा, आपको लगेगा कि सच में मेरा रेजिस्टेंस चला गया। और इसको कॉन्स्टेंटली 7 दिन तक कीजिए, जिसको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है, बहुत ज़्यादा ट्रॉमास है, बहुत ज़्यादा रॉन्ग बिलीफ बैठ चुकी है और मेरे लिए मुश्किल है मैनिफेस्ट कर पाना। सो जस्ट रिलैक्स, शांत हो जाइए, खुश हो जाइए, हर चीज़ का हल है, आपका मैनिफेस्टेशन कहीं भागा नहीं जा रहा है। बस एक प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो कीजिए और आप धीरे 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 वो सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेंगे जो आपको चाहिए, ठीक है। सो रेजिस्टेंस रिमूवल का प्रोसेस एग्जैक्टली आपकी मान्यताओं के ऊपर, बिलीफ के ऊपर काम करना है, उन मेमोरीज के ऊपर काम करना है जो आपको बार बार याद करवाती है कि आप फेलियर हो, आप डिज़र्व नहीं करते हो। तो उसको रिप्लेस करना है, दैट आई कैन, आई विल, यू फेस योर फियर्स, यू फेस योर डाउट्स एंड टेल योर सेल्फ दैट आई कैन। दिस इज़ अ सिंपल रेजिस्टेंस रिमूवल प्रोसेस। तो ये जो रेजिस्टेंस वाले थॉट्स कहीं से आ रहे हैं, उसकी जड़ है आपकी बिलीफ, वो बिलीफ कहीं ना कहीं बॉडी में भी स्टक हो चुकी है। सो जो मेडिटेशन मैं बोल रही हूँ वो आपको इसके साथ काम करने में मदद करेगा। प्रैक्टिस इट एंड डू लेट मी नो इफ इट वर्क्स फॉर यू। एंड दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट रेजिस्टेंस। होप आपको थोड़े से आइडिया क्लियर हुए होंगे और आपको इम्पोर्टेंस पता चला होगा कि सेल्फ लव का, सेल्फ हीलिंग का, होपोनोपोनो को प्रैक्टिस करने का, डेली मेडिटेशन करने का, डेली अफर्मेशंस करने का क्या इम्पोर्टेंस है। क्योंकि आपको आपकी सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है।